नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे बैंकिंग चैनल फॉर व्यूअर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कैसे आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और कैसे आप इस अकाउंट से जुड़ी सभी लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में पूरी और संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी सी डिपॉजिट स्कीम है जो भारत सरकार ने विशेष तौर से उन गरीब लड़कियों के लिए संसद में पेश किया है, जिससे गरीब माँ बाप की लड़कियां हायर एजुकेशन कर सकेगी और अच्छी से शादी कर पाएगी। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शामिल है और इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारम्भ किया है। पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक लीगल गार्जियन ने अपनी बेटी के लिए पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दो अकाउंट खोल सकते हैं अगर उनका दो बेटी है। दूसरी बात, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए एक लड़की की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा, यानी आपका बेटी जन्मदिन से 10 साल के अंदर ही ये अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसके लिए आप आपका बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ की किसी भी सर्टिफिकेट खाता खोलने के दौरान जमा करनी पड़ेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के बाद आपको एक वित्तीय वर्ष यानी एक फिनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं आपकी बेटी के नाम पर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप जितने धनराशि जमा करेंगे उसके ऊपर आपको 8.5% तक इंटरेस्ट दिया जाएगी और ये इंटरेस्ट एक साल में एक ही बार दिया जाएगी। अब आपका मन में शायद एक सवाल होगा कि अगर हम SBI में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी आप अकाउंट खोले आपको एक ही अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोले या फिर SBI में खोले या फिर आप किसी दूसरे बैंक में खाता खोले। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप महीने में ही डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर साल में जितनी बार आप पैसा जमा करना चाहते हैं उतनी बार ही आप पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर आप एक साल में मिनिमम 250 रुपये अकाउंट में नहीं जमा करेंगे तो आपको जुर्माना के तौर पर 50 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब है एक साल में आपको 250 रुपये जमा करना ही है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप जितना पैसा जमा करेंगे और जितना पैसा आपको मैच्योरिटी के टाइम में मिलेगा, उन सभी के सभी धनराशि फुल्ली टैक्स फ्री है, मतलब आपका संपूर्ण धनराशि इनकम टैक्स एक्ट से छूट प्राप्त है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक 21 साल की डिपॉजिट स्कीम है, यानी जब खाता खोलने वाली लड़की की 21 साल संपूर्ण हो जाएगी तब ये अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन आप इस अकाउंट को समय से पहले ही बंद कर सकते हैं जब अकाउंट होल्डर यानी खाता खोलने वाली लड़की की 18 साल हो जाएगी। और ये अकाउंट बंद करने की परमिशन तभी अलाउ करती है जब लड़की की हायर एजुकेशन की बात आती है या फिर शादी की बात आती है, और इसके लिए आपको पूरी दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी, तभी आपको पैसा मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपकी बेटी की जमा प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरी चीज डिपोजिटर का पहचान पत्र यानी जो व्यक्ति अकाउंट में पैसा जमा करेगा उस व्यक्ति का परिचय पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी। अब आते हैं 250 रुपया जमा करने पर 6,00,000 रुपया मिलने की बात पर। दरअसल बात यह है कि अगर आप हर महीने में 1,000 रुपये अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको एक साल में हो जाएगा 12,000 रुपये, और ये डिपॉजिट आपको 16 साल तक ही करनी है और तब तक आपका कुल जमा राशि होगी 1,60,000 रुपीस। और जब ये अकाउंट 21 साल में मैच्योरिटी होगा तब आपको 5,65,640 रुपीस मिलेगा पूरे इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर आप हर महीने में 250 रुपये अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको एक साल में हो जाएगा 3,000 रुपये, और जब इस अकाउंट का 21 साल में मैच्योरिटी होगी तब आपको कुल 1,41,410 रुपीस मिलेगा, और इसमें आपको टोटल 99,410 रुपीस इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आप एक बार ध्यान से सुनिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको 16 साल तक डिपॉजिट करना ही है, लेकिन ये डिपॉजिट लड़की की 16 साल की उम्र तक नहीं बल्कि अकाउंट्स की 16 साल तक। इसका मतलब अगर आप 2019 में खाता खोलेंगे तब आपको 2033 तक लगातार पैसा जमा करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त देने का बहुत बहुत धन्यवाद।